ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां बताई गई हैं और ये सभी राशियां अपने आप में अलग अलग महत्व रखती हैं। इस वजह से इन सभी राशियों के व्यक्तियों का स्वभाव भी अलग अलग देखने को मिलता है। ग्रह नक्षत्रों में होने वाले परिवर्तन की वजह से इन सभी राशियों पर इसका असर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल के अनुसार ही इन राशियों में उतार चढ़ाव भी आता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 13 जुलाई से शनि अपनी राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी 6 राशियां हैं जिनको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। इनको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और इनके जीवन में चल रही धन से संबंधित सभी परेशानियां भी दूर होंगी। ये बहुत ही भाग्यशाली साबित रहने वाले हैं। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से 12 राशियों में से और साथ ही उन 6 राशियों के बारे में पहले बताने जा रहे हैं जिनको विशेष लाभ होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं उन 6 राशियों के बारे में, फिर आपको बताएंगे बाकी की राशियों के बारे में। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 13 जुलाई से हो रहे शनि के इस परिवर्तन की वजह से जो व्यक्ति व्यापारी हैं, उनका समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। ग्राहकों का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा। आप जिस क्षेत्र में कुशल हैं, आपको उस क्षेत्र में बेहतर मौका मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए निवेश में आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। शनि देव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के व्यक्तियों को 13 जुलाई से हो रहे शनि के इस परिवर्तन की वजह से इनका समय आनंददायक रहने वाला है। इनको व्यापार में भारी धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है, लेकिन आपके जीवन साथी की सेहत में खराबी हो सकती है, इसलिए आप उनकी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप इस समय कहीं निवेश करते हैं तो आपको भारी धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए हर कार्य में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को 13 जुलाई से हो रहे शनि के इस परिवर्तन की वजह से आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। इस समय आप किसी नए घर में भी प्रवेश कर सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शनि देव की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होंगी और आपको अचानक धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं चौथी राशि की। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को 13 जुलाई से हो रहे इस परिवर्तन की वजह से इनको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। जो व्यक्ति व्यापारी हैं, उनको व्यापार में अपने साझेदारों से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर होंगी। शनि देव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पांचवी राशि। पांचवी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को हो रहे इस परिवर्तन की वजह से इनका समय शुभ रहेगा। शनि देव की कृपा दृष्टि लगातार आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशों का फल आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। शनि देव की कृपा से आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं छठवीं राशि।
यानी मीन राशि की मीन राशि वाले व्यक्तियों को हो रहे इस परिवर्तन की वजह से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अगर इस समय ये किसी भी व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें इनको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जिन व्यक्तियों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनके शादी के योग बन रहे हैं। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपकी आर्थिक चिंताएं भी दूर होंगी। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो दर्शकों, हमने अभी आपको बताया उन 6 राशि वालों के बारे में जिनको विशेष लाभ होने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं बाकी के राशियों का कैसा बीतेगा समय। तो शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं उनके लिए सामान्य रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो बड़े बुजुर्गों की राय जरूर लीजिए। आपको लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण भी बना रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय सामान्य रहेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने मन की शांति मिलेगी। आपकी सेहत भी ठीक बनी रहेगी, जिससे कि आप अपने अंदर नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आपके जीवन साथी के साथ नोकझोंक होने की संभावना भी बन रही है। आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव भी हो सकता है, इसलिए आप पारिवारिक मामलों को समझदारी से सुलझाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा, लेकिन आप अपने जो भी कार्य किए हैं वो समय पर समाप्त करें। सामाजिक स्तर पर किसी अन्य से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। धन से संबंधित लेन देन में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इनको अपने कार्य क्षेत्र में संभल कर रहना होगा, क्योंकि आपके सहकर्मी आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अचानक से किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही बेहतरीन पल को व्यतीत करेंगे। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं भी दूर होंगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घर परिवार में खुशियां आएंगी। संतान की ओर से आपकी चिंताएं भी दूर होंगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इनको अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न होगा। लेकिन आप अगर इस समय कहीं निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो अभी थोड़े समय के लिए निवेश ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। माता की सेहत की चिंता भी लग सकती है, लेकिन नियमित देखरेख से उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।